दोस्तों, अगर आप कंटेंट राइटर हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, वर्क ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको वर्क नहीं मिल रहा, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी साइट को ढूंढा है। और इस साइट पे आपको कंटेंट राइटिंग के हवाले से मुख्तलिफ जॉब्स मिल सकती हैं जिसमें आपने अप्लाई करना होता है। तो कैसे अकाउंट खोलना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कंटेंट राइटिंग के हवाले से जॉब हासिल करनी है, तो तमाम तरह तफसील इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। इससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर साइट का लिंक मैं नीचे ही आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे प्रो ब्लॉगर आपने लिख लेना है, प्रो ब्लॉगर आपने लिखना है तो यहाँ पे आप इसका आइकन देख सकते हैं, प्रो ब्लॉगर जॉब्स के नाम से पहले नंबर पर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आप अगर कोई जॉब पोस्ट करना चाहें तो उसमें $80 की आप मिनिमम जॉब पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो 21,641 कैंडिडेट्स हैं और एक्टिव जॉब्स 115 हैं, और जिसमें 8,195 जॉब्स जो है वो सक्सेसफुल जो है पोस्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जॉब्स आ रही हैं, आप अकॉर्डिंगली अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ तो क्लिक कर दूँगा कंटेंट राइटर के ऊपर। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप नीचे ही आएंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आप इसकी तमाम तफसीलात जॉब्स के वाले से डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं। तो नीचे ही आऊँगा तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है और एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट खोला हुआ है, मैं वो ओपन कर लूँगा। मज़ीद अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम देंगे, फिर आपने पासवर्ड पुट करना है, फिर पासवर्ड लगाना है, उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट आपकी जो एक्टिव है जिस पे काम किया हो वो वाली, और उसके बाद प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन इमेजेस के हवाले से देनी है आपने। बिल्कुल सिक्योर वेबसाइट है, कोई फेक वेक नहीं है। तो यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने प्रोविंस अपना अपडेट करना है, फिर सिटी, फिर जिप कोड, फिर अपना रिज्यूम के हवाले से इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करते हैं और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लगाते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही आप अगर एक्सपीरियंस के हवाले से इशू आ रहा है तो आप चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस से क्लिक करके वो भी डिटेल वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ तो जनरल इन्फॉर्मेशन पुट करने की आप कोशिश किया करें। मज़ीद यहाँ पर जो एजुकेशन के हवाले से, जब आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टेड डेट, फिनिश डेट, इंस्टीट्यूट का नाम, डिग्री और डिस्क्रिप्शन उसकी आपने टाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टे इन द नो यहाँ पे क्लिक कर देना, उसके बाद कैप्चा पे आई एम नॉट रोबोट करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन आ गई। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर दूँगा, कैप्चा पे और लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा। तो लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए तो आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि कितनी आपने सक्सेसफुल प्रोफाइल की कंप्लीटेशन कर ली है। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डैशबोर्ड आता है और अप्लाई सेफली ऑनलाइन आ रहा है, और FAQs भी हैं, टेस्टिमोनियल हैं, और अगर साइट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो अबाउट में जा सकते हैं। अगर कोई जॉब आपने पोस्ट करनी है, आपका इंस्टीट्यूट है, तो वो भी कर सकते हैं। और व्यू जॉब पे आप आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जॉब्स के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब जॉब में आप कोई भी अगर कंटेंट राइटिंग से हट के भी जॉब ढूंढना चाहें तो यहाँ पे कंटेंट पे वो आप पुट करेंगे, उसके बाद लोकेशन पुट करेंगे, और उसके बाद जो है फिल्टर रिजल्ट पे भी आप यहाँ पे कंटेंट राइटर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट राइटर पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो एक्टिव जॉब है वो उसकी डिस्क्रिप्शन सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जॉब में अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नो पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जनाब आपके पास कुछ मज़ीद डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने क्या करना होता है, फ़र्स्ट नेम देना है, फुल नेम और ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन की प्रोफाइल देनी है, उसके बाद पोर्टफोलियो लिंक, कंट्री, स्टार्टिंग अवेलेबिलिटी, आज की डेट डाल देनी है, और एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आपने अपनी प्रोफाइल के हवाले से, अपने बारे में कंटेंट राइटिंग के हवाले से, वो चैट जीपीटी के थ्रू लिख के
यहाँ पर सबमिट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है इसके लिए, एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से इंटरफेस आपके पास आ जाता है ये सबमिट करवाने के बाद। जॉब डिटेल पे आप आके देखिए तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिटेल इसकी आ रही है कंटेंट राइटिंग के वाले से। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा। अच्छा, वर्क हेलो पे ना मैंने अप्लाई किया हुआ था, आई थिंक उन्होंने कोई मेल वेल मुझे भेज दी है यहाँ पे। तो इसके लिए मज़ीद मैंने यहाँ पे इनका लिंक रखा हुआ था, वो लिंक मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं ना, योर एप्लीकेशन स्टेटस पे आप आके आएंगे। जब आपने अप्लाई करना है तो उसके बाद आपने लिंक कॉपी करके किसी नोट पैड पर रख लेना है, और फिर उस नोट पैड को जब आप ओपन करेंगे तो फिर आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड उनको मिल गई एप्लीकेशन, और कुछ कैंडिडेट्स मज़ीद भी हैं जिन्होंने अप्लाई किया, तो वो बारी बारी सबका स्टेटस चेक करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट लेंगे, फिर इंटरव्यू, और फिर जॉब ऑफ़र की जाएगी। उसके बाद जो है आप परमानेंट हो जाती हैं, और तमाम तर तफसील जो है वो प्रो ब्लॉगर वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। तो ये कुछ इस तरह से आपने अप्लाई करना होता है। मज़ीद भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे मज़ीद ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।